अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ अंडे के पकौड़े और बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और ये बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे अफ्तारी में। सबसे पहले मैंने ये तीन अंडे लिए हैं, इन्हें मैं बॉईल करूँगी 15 मिनट के लिए। इनको बॉईल करूँगी, अंडे को मैंने छील लिया है, ये बॉईल हो चुके थे 15 मिनट के लिए, मैंने इनको बॉईल किया था और इनको छील दिया है। अब मैं इनकी कटिंग करूँगी इस तरह से, बीच से मैंने कट किया और एक और कट लगा दूँगी बीच में। अब मैं इसे रख दूँगी साइड में और बेसन अब हम घोलते हैं इसके लिए। सबसे पहले एक बाउल लेना है, उसमें 1.5 कप बेसन डालना है। मैं ज़्यादा बेसन वो कर रही हूँ, आप लोग कम, आप अपने हिसाब से करिएगा। और मैंने इसको छान लिया था अच्छे से। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून 3 मसाला डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, 2 चुटकी मैंने इसमें सोडा डाला है, इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला है और नमक हसब ज़रूरत। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे फेंट लिया है। ये देख सकते हैं इस तरह से फेंटना है। बेसन में अंडे को डिप करना है और इसकी कोटिंग करनी है, उसके बाद हम इसे डिप फ्राई कर लेंगे। बेसन थोड़ा पतला होना चाहिए, जैसे हम पकोड़े में यूज़ करते हैं उस तरह का बेसन नहीं, इससे थोड़ा पतला चाहिए हमें। ये देखें इस तरह से डाल देना है और इसे फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई हो गए हैं पकोड़े, अब मैं निकाल लूँगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, 5 मिनट में बन जाने वाले ये पकोड़े बहुत जल्दी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।